हामी माझ यस्तो व्यक्ति छ जसले सिंगल ह्यान्डेडली एउटा आफ्नो लिडरशिपमा सिक्किमलाई कन्टीन्युअसली 5 पल्ट ब्याक टु ब्याक गभर्नमेन्ट बनायो र उहाँ 25 वर्ष एउटा लामो समयसम्म इन्डियाको लङ्गेस्ट सर्भिङ सिएम हुनुभयो। र किन यो कुरा राख्दैछु भन्दा गुजरातपट्टि फर्केर हेर्दाखेरि 27 वर्षसम्म लगभग उहाँहरूले 8 पल्ट मुख्यमन्त्री चेन्ज गरिसकेको रहेछ है। 8 वटा मुख्यमन्त्री बदलिँदा उहाँहरूले 27 सालको यात्रा पुरा गयो र एउटा सिङ्गो व्यक्तिले आज सिक्किम जस्तो राज्यलाई 25 वर्षसम्म नेतृत्व दिएर ब्याक टु ब्याक लङ्गेस्ट सर्भिङ सिएम हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति हामीमा माझ आज हुनुहुन्छ अनि साथै एउटा लामो समयसम्म शासन मात्र नगरेर उहाँले गुड गभर्नेन्स दिनुभयो, सिक्किममा गुड एडमिनिस्ट्रेसन दिनुभयो, प्रो पिपल पोलिसी दिनुभयो अनि एक दुईवटा ग्राउन्ड ब्रेकिङ इनिसिएटिभ भन्छ योजनाहरू जस्तै 10 मिनट्स टु अर्थ दिनुभयो, उहाँले फास्टेस्ट प्रोभर्टी एलिभेसन प्रोग्राम दिनुभयो अनि अर्ग्यानिक मिसन या फार्मिङ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम एउटा सानो हिमालय राज्यलाई विश्वले नै चिन्न थाल्यो, विश्वलाई नै राष्ट्रलाई मात्र नभएर विश्व स्तरमा सिक्किमको एउटा परिचय दिनुभयो। अनि हामी तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ सिक्किम एउटा बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेट हो है, सिक्किम इज अ बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेट। सिक्किमले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल 220 किलोमिटर चाइनासँग सेयर गर्छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर नेपाल भुटानसँग पनि छ अनि बङ्गलादेश एकदमै करिबमा छ, एउटा सेन्सिटिभ बोर्डर स्टेट हो। र सिक्किमलाई ब्युटिफुल मात्रै नराखेला उहाँले पिसफुल पनि राख्नु भएको थियो र दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट। एउटा बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेटलाई उहाँले पिसफुल राख्दाखेरि देशलाई पनि यसको ठुलो एउटा उहाँको एउटा कन्ट्रिब्युसन भएर गएको छ। अनि उहाँको राजनीति जीवन 1973 एउटा युवा नेताको तौरमा सुरु भयो, उहाँले सिक्किमको जनआन्दोलनमा भाग लिनुभयो एज अ यङ युथ लिडर है, र अनि लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको बादमा 5 पल्ट लगातार सिक्किमको मुख्यमन्त्री फ्रम 1994 to 2019 रहनुभयो। अनि उहाँ एउटा केवल राजनीतिज्ञ मात्र नभएर एउटा साहित्यकार लेखक पनि हुनुहुन्छ अनि भारतीय गोर्खाको भारतीय नेपालीको एउटा प्रसिद्ध चेहरा है, आज जसलाई विश्वले चिन्छ नन अदर देन माई लिडर आवर लिडर द पिपल्स लिडर पवन चामलिङ आज हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँ अनेबल पार्टी प्रेसिडेन्ट एसडिएफ पार्टी अनि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकार भन्दै आजको विशेष प्रेस कन्फरेन्सलाई सम्बोधन उहाँले गर्नुहुन्छ अनि त्यसको बादमा जति क्वेसनहरू छ तपाईँहरूले प्रेस एन्ड मिडियाबाट तपाईँहरूले हामी त्यो क्वेसनको एन्सर दिनेछौँ। र मसँग सँगै हुनुहुन्छ आज डायसमा यतापट्टि हुनुहुन्छ केएन राई साहब जो भूतपूर्व स्पिकर अनि हाम्रो पार्टीको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट, अनि मेरो लेफ्टमा हुनुहुन्छ एक्स एमएलए सिक्किम अनि उहाँ हाम्रो पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अनि म आफै एमके सुब्बा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको मुख्य प्रवक्ता। र एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको साथै म आजको प्रेस कन्फरेन्स आरम्भ गर्ने भन्ने मेरो रिक्वेस्ट मेरो अध्यक्ष महोदय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीलाई अब सम्बोधन गरिदिया जाओस् भन्ने मेरो रिक्वेस्ट राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आज यस प्रेस मिटमा उपस्थित हुनुभएका अति आदरणीय पत्रकार बुद्धिजीवीहरू तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत सम्मान र नमस्कार चलाउन चाहन्छु। आजको यो सर एक्सक्युज मी क्यान यू प्लिज हिन्दीमा को बताएंगे सो दैट कि हम लोग भी थोड़ा समझ सकते हैं, या दोबारा बोलिए नेपाली में पहले बोलिए उसके बाद हिंदी में बोल सकते हैं। मैं पहले जब मुख्यमंत्री था उस टाइम पर यहाँ पर आकर मैं पत्रकार महोदय से बात करता था और पहली बार जब मैं 2019 के चुनाव में असफल होने के बाद में मैं आज आभूषण की भूमिका से कि मैं निर्वाह कर रहा हूँ, तो आज पहली बार मैं एक ऑपोजिशन लीडर के रूप में एसडीएफ पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं आप लोग से साक्षात्कार कर रहा हूं। और आज के ये पत्रकार
सम्मेलन ही कहूँ कि मैं विशेष हटकर जिस तरह से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किसी को कमियां खामियां दिखाते हैं, ऐसे नहीं है ये सम्मेलन। कि मैं आज सिक्किम का बहुत कम बातें करूंगा, लेकिन ज़्यादा आज राष्ट्रीय स्तर में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय पर भी बात करूंगा, और विशेष करके नेपाली भाषी गोरखा आजादियों के वस्तु स्थिति जो हम आज सामना कर रहे हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। और आप लोग जब हमारा मेरा ये ब्रीफिंग बेस्ट ब्रीफिंग खत्म होगा उसके बाद में आप लोग किसी भी विषय में अपना प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं अपने प्रेस ब्रीफिंग करना चाहता हूँ। देखिए, भारत में रहने वाले गोरखा और नेपाली भाषी इस देश के स्वतंत्र बना के हम यहाँ पर एक भारत के नागरिक के रूप में दूसरे भारत के नागरिक तरह ही हम यहाँ पर आज इस देश की सेवा में हम जुटे हुए हैं। महीना में दो महीना में एक बार कम से कम एक दो हमारे गोरखा जवान लोग शहीद होकर देश के लिए शहीद होते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो स्वतंत्र संग्राम में जस्ट एनआईए का सिपाही बनकर अफसर बन के बहुत शिक्षित पर क्या हुआ इतिहास आज सारे लोग जानते हैं, और मैं मानता हूँ और सभी जनता भी मानती हैं कि एनआईए का जितना बड़ा भूमिका देश आज़ादी के लिए था वो सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। उसमें गोरखाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा, और जनसंख्या के आधार में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा गोरखाओं का योगदान रहा। तो इस तरह से देश को आज़ाद बना के देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान करके हमारे भारत में रहने वाले गोरखा जाति भारत का नागरिक हैं, और देश निर्माण में तब से आज तक गोरखाओं ने बलिदान किया है। लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे योगदान को थोड़ा नज़रअंदाज किया गया है और कम आंका गया है। इसलिए ये आज की वस्तु स्थिति है गोरखाओं का, और गोरखा आज भी इस वस्तु स्थिति से जूझ रहे हैं। आज हमारा अस्तित्व के ऊपर अंगुली उठाते हैं और हमें प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ का आए, कहाँ रहते हो, कब आए हो, ऐसे ऐसे जब प्रश्न हमारे आगे कोई भी पूछते हैं उस टाइम में हमारा स्थिति कैसा रहता है। मैं 25 साल सिक्किम का मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री का मैंने नौकरी नहीं किया है, वहाँ पर मैंने सेवा की है और बहुत साफ सुथरी हुई सरकार मैंने चलाई, और ये सभी लोग जानते हैं और भारत के सभी लोग मानते हैं कि सिक्किम देश का एक उदाहरणीय राज्य था, बना था। तो ये सब हम कर देखा कि गोरखा सिर्फ रोजी रोजमर्रा के लिए काम नहीं करते हैं, फौजी ही नहीं है लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है। तो इस तरह का एक उदाहरण सिक्किम ने प्रस्तुत की, जो सिर्फ देशवासी नहीं विश्व के लोग भी इसको मानते हैं। लेकिन इतना करते हुए भी आज के दिन में हमें कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी और पहले की सरकारें ने भी गोरखाओं के लिए जितना मान्यता रिकॉग्निशन जो भी दी थी वो आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका गोरखाओं को फायदा नहीं मिली। जैसा बालिका रेडियो न्यू दिल्ली नेपाली प्रसारण न्यूज करते थे उसको बंद किया गया है,
अपने इस तरह से पहले से चल रहे हुए अगर भाषा में कम करना तो नेपाली जातियों के अस्तित्व पर तमाचा मारना जैसा ही है और गोरखाओं का आवाज को बंद करना जैसा है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी फिर शुरू करना चाहिए। ऐसा मैं एक जिमोर गोरखा जनता की ओर से और मैं एक भारत के एक सीनियर लीडर की तरफ से मैं ये आवाज गोरखापुर पक्ष में उठाता हूँ। उसी तरह से एक्सेप्शन में नेपाली भाषा को भी मान्यता मिली हुई है, सब जानते हैं, लेकिन आज सब यूपीएससी एग्जाम में और दूसरी एग्जाम में परीक्षाएं में आज तक नेपाली भाषा को सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया है और ये भी एक बहुत बड़ा नेपाली भाषियों को गोरखा जातियों के लिए एक अन्याय हो रहा है। आज तक नेपाली पेपर में एग्जाम अभी तक नहीं के बराबर है। दूसरी ओबीसी भारत के संविधान या अदर बैकवर्ड क्लास की मान्यता दिया हुआ आज कम से कम 20 से आज 40 साल से भी ज्यादा हो चुका है और नेपाली भाषी गोरखाओं भी ओबीसी में मान्यता मिली हुई है, लेकिन सिक्किम में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। सिक्किम का ही गोरखा नेपालियों को भुटिया लेप्चा को जिसको मान रहने वाले को भी इसका फायदा अभी मिल रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेश में ओबीसी में मान्यता मिले तो है लेकिन इसका फायदा नहीं मिल रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गया था, वहां पर भी ओबीसी का मान्यता तो मिला है लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी और भारत के सभी प्रदेश में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और मुझे पता नहीं पश्चिम बंगाल में तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ओबीसी का फायदा हमारे गोरखाओं को मिला या नहीं मिला ये तो आप लोग जानते हैं। और अभी भी भारत सरकार ने 2022 साल में 2022 में अभी ये 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मान्यता भारत सरकार ने दी है और इसका अधिकार गोरखाओं को भी है, गोरखाओं को भी इसका अधिकार है, समान अधिकार है। और मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सभी गोरखा लोग भी इसका भी फायदा उठाए। 10% हमने सिक्किम में आज से 30 साल पहले ही मैंने बीपीएल 12% का व्यवस्था किया था, उससे सिक्किम के जितना भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फायदा 30% मिल रहा है। और भारत सरकार को मैं केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक साल के अच्छे कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार अभी ट्रांसफर किया है, तो राज्य सरकार जिसको भी चाहे उसको रिकॉर्ड क्लास में मान्यता दे सकती है और इसलिए हमारे देश के गोरखाओं से अपील मैं करता हूँ कि वो लोग इससे फायदा उठाए और जिस समुदाय और जाति पिछड़े वर्ग में मान्यता नहीं मिली हुई है उसको मान्यता और देने का पूरा अधिकार राज्य सरकार का है। तो इससे भी हमारे गोरखा को फायदा मिलेगी। अनि म अर्को तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष नागिसकेको छ तर आजसम्म भारतमा
हाम्रो नेपाली भाषी गोर्खाहरूबाट एकजनाले पनि केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान पाएको छैन र आज हाम्रो नेपाली भाषी एमपीहरू हाम्रो यही क्षेत्रीय स्तरमा दार्जिलिङमा राजु विष्ट हुनुहुन्छ दार्जिलिङ समष्टिबाट अनि सिक्किमबाट पनि एमपीहरू हुनुहुन्छ सिनियर एमपी हिजो लाचुङपा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न जहिले चाहे भने पनि भारत सरकारले गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म 75 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म नेपाली भाषीलाई केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिएको छैन यो हाम्रो नेपाली भाषी नेताहरूको अथवा नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हो र यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ अर्को आजसम्म हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा एकजना पनि जज बन्न सकेको छैन 75 वर्षको यो लामो स्वाधीन भारतमा अहिलेसम्म एकजना पनि सुप्रिम कोर्टमा जज बन्न सकेको छैन उसै गरी आजसम्म हाम्रो कुनै पनि एम्बासेडरहरू बन्न सकेको छैन राज्यपाल बन्न सकेको छैन र हामीले 1975 सालमा सिक्किम भारतमा गएको त्यति बेलाको भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्ने नेताहरू आज पनि सिक्किममा जीवित छ उहाँहरू जस्तोहरूलाई गभर्नर अथवा एम्बासेडरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो जस्तै एकपल्ट म नाम लिन चाहन्छु श्री नरबहादुर भण्डारी माघौरवटा श्री नरबहादुर खतिवटा श्री नरबहादुर भण्डारी त भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अर्को श्री नरबहादुर खतिवटा हुनुहुन्छ अर्को श्री रामचन्द्र पौड्याल हुनुहुन्छ त्यति भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्दा उहाँहरूले सबभन्दा ठुलो भूमिका निभाउनु भएको त्यस्तै गरी आज हाम्रो भाइस चान्सलरहरूमा काम गरेर उहाँहरू अहिले बस्नुभएको छ उहाँहरू सर्वश्री टिभी सुब्बा अर्को श्री अथवा प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा अनि उसै गरी अरू कुनै त्रिलोक कुमार देवान पहिला चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी प्रोफेसर घनश्याम नेपाल प्रोफेसर मोहन पी दाल त्यसरी नै डक्टर हर्कबहादुर छेत्री जस्ता विद्वानहरू आज हाम्रो समाजमा छन् र उहाँहरू जस्तालाई एम्बासेडर बनाउन सक्यो भनेदेखि राज्यपाल बनाउन सक्यो भने अथवा कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल पोस्टहरूमा उहाँलाई नियुक्ति गर्न सक्यो भनेदेखि यो गोर्खा जातिलाई नेपाली जातिलाई सिक्किमे जातिलाई न्याय हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी म यहाँ यी कुराहरूलाई राख्न चाहन्छु अनि अर्को कुरा हामीले 25 वर्ष सिक्किममा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले रिजनल स्टेबिलिटी हामीले दिएको छ र पिस र प्रस्पेरिटी हामीले सिक्किममा दिएको छौँ र रिजनल प्रस्पेरिटी पिस र स्टेबिलिटी चाहिँ हामीले सिक्किमलाई मा दिएर देशको लागि ठुलो हामीले योगदान दिएका छौँ सिक्किमबाट 67 बोर्डर स्टेट हो चारपट्टिबाट घेरिएको छ सिक्किम संवेदनशील राज्य है चारों तरफ सीमा से घेरी हुई राज्य है एक तरफ नेपाल है भूटान है और चाइना है और बांग्लादेश भी है तब भी 25 साल तक हमने जब वहाँ पर सरकारी चलाई तब उस टाइम सिक्किम सबसे शांत सुथरा हुआ राज्य था और बहुत ही द्रुत गति में विकास वहाँ पर हुई थी इस तरह से हमने बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार को दिया आप लोग जानते हैं दोखलान जैसा वहाँ पर समस्या हैं आप लोग जानते हैं तब भी हमने सरकार जब चले नेपाल देखिए उस टाइम आज भी वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है स्टेबिलिटी नहीं है जब हम सरकारी वहाँ चलाते थे तो उस टाइम भी नेपाल में माओवादी समस्या बहुत बड़ा समस्या वहाँ पर था नेपाल अनरेस्ट था और दार्जिलिंग में भी अनरेस्ट था
और उत्तर पूर्वी परिषद के जितना राज्यां हैं वहां पर तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अंडमान कोर्स का समस्या है। लेकिन सिक्किम में जब तक हम लोग वहां पर थे 25 साल तक हम सरकार में थे तो सिक्किम सबसे पीसफुल स्टेट सबसे शांत राज्य था। वो वहां पर किसी प्रकार के प्रभाव में सिक्किम कभी नहीं पड़ा, उनको बचा के रखा, नॉर्थ ईस्ट का अंडरग्राउंड फोर्स से भी बचा के रखा, नेपाल के जो राजनीतिक अंदेश का समस्या था उससे भी बचा के रखा, और दार्जिलिंग में जिस तरह का समस्या उस टाइम में था उससे भी सिक्किम को बचा के हमने रखा। तो इस तरह से एक पीस और सिक्योरिटी कितना जरूरी है, और पीस और सिक्योरिटी सिक्किम में हमने जब सिक्किम में जब लोगों को मिला तो सिक्किम में उस टाइम में भी बहुत द्रुत गति से विकास हुई, तो एक उदाहरण है। तो इस तरह से सिक्किम से बहुत एग्जाम्पल अथवा उदाहरण हम दे सकते हैं और लोग ले सकते हैं। तो इस तरह योजना था। उसी तरह से जियो पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी हिमालयन रेंजेस में ये पहाड़ी राज्यों में होना बहुत जरूरी है। जैसे उस तरह नेपाल आए, भूटान आए, उधर चाइना आए, तो इस जियो पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी के लिए सिक्किम राज्य के लोग और दार्जिलिंग के लोग, भारत के गोरखा नेपाली भाषी लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हिमालयन रेंजेस में हम लोग रहते कितना सेंसिटिव है ये हिमालयन रेंजेस, चाइना बॉर्डर है, तो उसको हमेशा स्टेबल रखना चाहिए। उसके लिए आप हम गोरखा लोग हमें गोरखाली हमें नेपाली हमें सिक्किमी बहुत ठूलो योगदान दिन सकता, तर भारत सरकार ने हम क्षमता आजसम अलग कम आंक अनि हामीलाई नजरअन्दाज गरेको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो खाली हाम्रो लागि मात्रै होइन तर देशको लागि पनि राष्ट्रको लागि ठुलो नोक्सानको कुरा भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को अर्को हामी यो चिकन नेकमा छौँ अथवा यो एउटा बोर्डर एउटा करिडोर भएको छ, यो त्यस कारणले अब यो क्षेत्र तपाईँ हामीले सुरक्षा गर्ने क्षेत्र हो यो, र गोर्खाहरूले यसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने क्षेत्र हो यो, सेन्सिटिभ एउटा चिकन नेक छ, करिडोर छ। अनि त्यसको रक्षकको रूपमा आज सिक्किमले पनि दार्जिलिङको गोर्खाहरूले पनि अनि सिलगढीको यहाँको सिलगढीका जनताले जुन प्रकारले योगदान दिनुभएको छ, र यो सबै सेन्सिटिभ एरियामा आज हामी यहाँ बसेका छौँ। त्यस कारण देशको लागि यो क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु, देशको लागि देशको हितमा यहाँ शान्ति सुरक्षा हुनु, विकास हुनु, जाति एकता र सद्भावना हुनु बहुतै जरुरी छ, र त्यतापट्टि पनि हामीले जानुपर्नेछ। र यसरी तपाईँहरूसँग मैले कुराहरू गर्नुपर्ने थिएँ जुन कुरा गरेँ, र तपाईँहरूलाई म आखिरमा मैले ब्रिफिङमा यति नै भन्न चाहन्छु कि अरू कुरा चाहिँ हामी गोर्खा नेपालीहरूलाई मेरो एउटा सन्देश छ। म भर्खरै ह्यारिसबर्ग युएसएबाट फर्केर आएको हो, म एक महिना जति त्यहाँ बसेको थिएँ र मलाई त्यहाँ निम्ताएर म गएको थिएँ, र म त्यहाँ गएर लामो त्यहाँ चार्ज गरेँ, नेपाली डायस्पोरा म दुई दिन एटेन्ड गरेको थिएँ त्यहाँ, र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ आज नेपाली जाति नेपाली भाषी नेपालको नेपाली जाति हामी भारत र विश्वमा बस्दै हामी नेपाली भाषी हामी जति पनि छौँ हामी भाषा र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्ने समय आएको छ भन्ने मैले त्यहाँ निवेदन गरेको थिएँ। र त्यसै किनभने आज हाम्रो संस्कृतिहरू मासेर जाँदैछ, हामीले भाषा बोल्न छोड्दैछौँ, हामी गोर्खा भएर हामी नेपाली भाषी भएर हामीले एक अर्कालाई नचिन्ने भएका छौँ, र त्यो चाहिँ एउटा बहुतै चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले आज हामी गोर्खाहरूले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्नेछ, भाषा र सांस्कृतिक रूपमा गोर्खाहरू विश्वमा नै जोडेर
हामी अगाडि बढ्नु पर्ने समय आएको छ। अनि हाम्रो देशमा हाम्रो देश भारतमा चाहिँ हामी नेपाली भाषी भुटिया लेप्चा नेपाली हामी जति पनि यो देशमा छौँ हामी सबै राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एक भएर हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउनुपर्ने बहुतै जरुरी छ। तर हामीले आज आफ्नो क्षेत्रीय कारणले गर्दाखेरि क्षेत्रीय राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो आवाजहरू चाहिँ केन्द्र सरकारमा चाहिँ एकदम विभाजित आवाजहरू गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो समयको माग छ कि हामी सबै विभिन्न पोलिटिकल पार्टीबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न जात जातिबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न धर्मावलम्बीबाट पनि छौँ, हामी विभिन्न पेसाहरूमा हामी संलग्न छौँ, त्यो हाम्रो छौँ। तर जब राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाहरू आउँछ, नेपाली जातिको मुद्दा आउँछ, नेपाली भाषीको मुद्दा आउँछ, त्यति बेला हामी सब एक भएर केन्द्र सरकारमा हामीले हाम्रो आवाजहरू त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ अथवा संयुक्त रूपमा हामी सबै मिलेर हाम्रो जातिको हितमा लड्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। जसरी कमिला र माउरीले आफ्नो सुरक्षाको लागि मिलेर लड्छ, त्यसरी नै हामी गोर्खा नेपाली भाषी भारतीय जातिले पनि हामीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि आफ्नो हक र अधिकारको लागि मिलेर लड्नुपर्ने समय आएको छ, त्यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो क्षेत्रीय समस्याहरू छ, आफ्नो आफ्नो हामी भारतको सबै राज्यहरूमा हामी बसोबासो गर्छौँ, आफ्नो आफ्नो राज्यको क्षेत्रीय समस्याहरू छ, क्षेत्रीय पोलिटिक्स छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि क्षेत्रीय राजनीतिमा कुनै पनि क्षेत्रीय समस्याहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरफेरेन्स गर्नु अथवा त्यहाँ हामीले चाहिँ अतिक्रमण गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी हामीले अतिक्रमण गऱ्यौँ भनेदेखि अरू क्षेत्रीय राजनीतिहरूमा क्षेत्रीय समस्याहरूमा त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि त हाम्रो जातीय सद्भावना बिग्रिएर जान्छ र हाम्रो अझै हाम्रो नेपाली भाषी नेपाली जाति कमजोर भएर जान्छ। त्यस कारण यो पनि एउटा सुझबुझ नेपाली जातिमा हुनुपर्ने बहुतै मैले जरुर देखेँ, नेपाली भाषीमा यो सुझबुझ हुनु बहुतै जरुर देखेँ। मैले पनि 25 वर्ष मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्दाखेरि मैले कुनै पनि भारतको प्रदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली जातिले गर्दै उसको नेपाली जातिहरूमा राजनीतिक मैले अतिक्रमण कहिले पनि गरिनँ। उहाँले जुनै पार्टीमा थिए, जुनै उहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले आफ्नो विश्वास अनुसारले आफ्नो मुद्दाहरू उठाउँथे, मैले कहिले पनि उहाँहरूलाई इन्टरफेयर गरिनँ, कहिले पनि त्यो मुद्दामाथि मैले अतिक्रमण गरिनँ अनि मेरो विचारहरू कहिले पनि लादिनँ। तर हमेसा मैले जातिको हितमा जातिको उत्थानमा र हामी सबै नेपाली भाषीहरू यो देशमा मिलेर देशको लागि योगदान दिने कुरामा, देशको नवनिर्माणको क्षेत्रमा योगदान दिने कुरामा, देशको सुरक्षाको क्षेत्रमा योगदान दिने कुरामा, देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अझै मजबुत बनाउने क्षेत्रमा हामी सबै गोर्खा नेपाली भाषीहरूले योगदान दिने क्षेत्रमा मात्रै मैले जहिले पनि उत्प्रेरित गर्ने कोसिस गरेँ, जहिले पनि उहाँलाई उत्साहित गर्ने मैले कोसिस गरेँ र कहिले पनि क्षेत्रीय पोलिटिक्समा मैले इन्टरफेरेन्स गरिनँ। र त्यसरी हामीले सबैले काम गऱ्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि देशले पनि फाइदा पाउनेछ, देशलाई पनि ठुलो योगदान दिन सक्नेछौँ, साथसाथै नेपाली जातिले भाषीले आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि हामी मिलेर लड्न सक्नेछौँ। हुन्छ, आपका क्वेश्चन कोई है तो पुट अप करिए। चलिए सर जी, सर आप बता रहे थे कि गोरखा का आइडेंटिटी का ऊपर सवाल है पूरे देश में ही, उत्तराखंड में भी आप गए और बोले कि ओबीसी वापस तो लागू तो हो गया है मगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब बात आती है बंगाल की तो उसमें गोरखा कितना सेफ है और आइडेंटिटी का ऊपर क्या सवाल है, आपको क्या लगता है? नहीं, गोरखाओं का वो विषय तो मिला है ना, मान्यता मिला है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ना, उसका फायदा नहीं मिला है, फायदा नहीं मिला है।
जैसे आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगा, जैसा बिहार में गोरखा बोल लोग रहा हूं, लेकिन उन लोगों को ओबीसी नहीं मिला है, मान्यता ही नहीं मिला है, लेकिन जिस प्रदेश में मान्यता मिला है लेकिन वहां पर फायदा नहीं मिला है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो चीज सबसे बड़ा समस्या है। और ये बंगाल में क्या स्थिति है गोरखाओं की? गोरखाओं के बारे में बंगाल में मुझे मुझसे ज्यादा आप लोग को पता है, मुझसे ज्यादा गोरखाओं को पता है, मुझे बंगाल के गोरखाओं ने कुछ नहीं आज तक तो बताया क्या है, लेकिन मेरे विचार में शायद सभी गोरखाओं को ओबीसी तो मिला हुआ है लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं, वो उसका फायदा नहीं मिला है, ऐसा लगता है मुझे। ओबीसी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में कोई नेपाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस तरह का, तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या आप लोग जस्टिस नहीं मिल रहा है आप लोगों को नेपाली कम्युनिटी को? नहीं, नेपाली कम्युनिटी को तो ये सरकारें है ना अभी बीजेपी के गवर्नमेंट सेंटर में वो ही नहीं है, 75 सालों में स्वतंत्र भारत में जितना सरकारें बनी वो सरकारें में एक भी गोरखा एक भी नेपाली भाषी मंत्री नहीं बनाए, डेप्टी मिनिस्टर भी नहीं बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये आप ही बताए ये न्याय है अन्याय है? तो आपने जो सवाल किया तो सही है, और मेरा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, और ये मेरा जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा इनरकालीन है, ये इनरकालीन बिंग है गोरखा नेपाली और सिक्किमिस तपाईँले भन्नुभयो क्षेत्रीय समस्या र राजनीतिमा इन्टरफेयर अतिक्रमण गर्नु राम्रो छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, तर जब सिलगढी आउनु भएको छ सिक्किम छोडेर र सिलगढीमा जहाँ बसिरहेको छौँ दार्जिलिङको गोर्खाहरूले प्यान इन्डिया गोर्खाहरूले आफ्नो अलग्गै बास भूमिको कुरा गरिरहेको छ, धेरै एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छ, विगतमा तपाईँको सरकारले युरोपको आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेको पनि हो, र आजको दिनमा गोर्खाहरूको आन्दोलन धेरै विक भएको छ इन्डियामा सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड अथवा कुनै पनि स्टेटको मागको लागि, यो लिएर तपाईँको अवधारणा के छ? अनि 10 र 11 दिल्लीमा एउटा गोर्खाल्यान्ड लिएर नै सेमिनार भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँ एटेन्ड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? पहिलो कुरा मलाई अहिलेसम्म यो सम्मेलन बारेमा केही थाहा छैन, कसले गर्दैछ कहाँ गर्दै थाहा छैन, त्यसो भएपछि एटेन्ड गर्ने कुरा आएन। अर्को कुरा छ, अब गोर्खाहरूले आफ्नो मागहरू राख्न पाउँछन् किनभने गोर्खाहरू भारतका नागरिक हुन्, भारतको नागरिक भएपछि सबले समान अधिकार छ कि आफ्नो हकको लागि आफ्नो मागहरू माग्ने र संविधानभित्र आफ्नो मागहरू राख्ने संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छ। तर आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि गोर्खाहरू अथवा दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने जति पनि त्यहाँका जनताहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस गभर्मेन्टले दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई पहिला नै हिल ट्राइब्स भनेर मान्यता दिएका थिए, अनि त्यसपछि जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यसपछि फेरि गोर्खाहरूलाई केन्द्र सरकारले बङ्गाल सरकारले जनजाति अथवा ट्राइबल बनाउने कुराहरू पनि उहाँहरूले सोचेका थिए। तर त्यस समयमा चाहिँ रणधीर सुब्बाले भनेका थिए कि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई ट्राइबल बनाउने कुरा सोच्दैछ, ट्राइबल भनेको चाहिँ जङ्गली हो के हामी जङ्गली हो भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै दम्बरसिंह गुरुङ जति गोर्खा लिगको अध्यक्ष थिए उहाँले भन्नुभएको थियो ट्राइबल भनेको जङ्गली हो र जङ्गली गोर्खाहरू होइन, हामी गोर्खा मान्दैनौँ भनेर त्यसो भनेका थिए। अब यसबाट त्यति बेलाको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने आज हामीले यसरी कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला गोर्खाहरू सुरक्षित थिए आफ्नो भूमिमा आफ्नो थलोमा, गोर्खाहरूलाई राजनीतिक तौरमा अथवा सामाजिक तौरमा उहाँहरूलाई कसरी अतिक्रमण गरेका थिएनन्, सुरक्षित थिए उहाँहरू।
त्यसकारणले उहाँहरूले ट्राइबलको मान्यतालाई पनि उहाँहरूले अस्वीकार गरेका थिए भने आज धेरै नै बात. तर आज जति जति समय बित्दै गएर उति उति यस मुलुकमा गोर्खाहरू असुरक्षित भएको असुरक्षित भएको चाहिँ हामी यसकारणले चाहन्छौँ भने यो कुरा चाल पाउँछौँ कि आज गोर्खाहरूले फेरि त्यही गोर्खाहरूले चाहिँ ट्राइबलको मान्यता माग्नु पाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्. एघार लेफ्टअप कमिटी, इलेभेन लेफ्टअप कमिटी र सिक्किमको चाहिँ इलेभेन प्लस वान इजिकल बराबर बाह्र कमिटीले चाहिँ गोर्खाको ट्राइबलको मान्यता माग्नु के अरे पाउनुपर्छ भनेर मान्यता के अरे माग गरिरहेको छ. तर भर्खरै तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि होम मिनिस्ट्रीबाट चिठी त्यसको चिठी आएको छ, प्रतिक्रिया आएको छ कि यो बाह्र कम्युनिटीलाई चाहिँ ट्राइबलको मान्यता दियो भनेदेखि चाहिँ भारतमा इमिग्रान्ट बढ्छ भनेर त्यसो भनेको छ. यो सरासरी यो चाहिँ भारतमा बसोबासो गरे गोर्खाको बेजेट हो, किनभने गोर्खाहरू त्यसको मतलब चाहिँ गोर्खाहरू चाहिँ इमिग्रान्ट हो भन्ने नै आशय होला यो चिठीको चाहिँ, र यो यसको चाहिँ म खण्डन गर्छु. सर, ये बीजेपी मेजर पार्टी और उसके बाद एनडीए जो गवर्नमेंट का जो अभी चल रहा है, आप लोग को क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसका जो देखने का जो जरिया है गोरखाओं का प्रति वो कैसा है, आपको क्या लगता है? नहीं, गोरखाओं के प्रति जरिया तो अब गोरखाओं का स्थिति कैसा है देखिए. अब हमारा अभी डिमांड है ये जितना लेफ्ट आउट कम्युनिटी उसको भी ट्राइबल को मान्यता मिलना चाहिए, लेकिन उसके जवाब में केंद्र सरकार का प्रतिक्रिया है कि अगर इन लोग का ट्राइबल को मान्यता देने से भारत में इमिग्रेंट बढ़ेगी, तो ये इसी से स्पष्ट होता है कि गोरखाओं के ऊपर कैसा दृष्टिकोण है. केंद्र के आप लोगों को नेग्लेक्ट कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो अंदर लोग ही जानते अब की हालत का कैसा हालत है. हम लोग आपका क्या विचार है सर, आप क्या आप किस नजर से देखते हैं? अजय अगरवाल सुन दे, 2019 को इलेक्शन मैनिफेस्टो में 11 जनजाति जनजाति दिने त एबीपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में थियो बीजेपी को 2024 सम्म आइसक्यो. यो अहिलेसम्म मान्यता नदियो बढी चाल पाइन्छ कि केन्द्रसँग सिरियस छैन, न त सिरियस छ भने त्यो त एक महिना हुने कुरा हो. प्रेसिडेन्टको भोलि बिल आउँदैछ चारवटा स्टेटको एसपी दिने, मतलब केन्द्र सरकारलाई चाह्यो भनेदेखि एक महिनामा दिनु सक्छ, पार्लियामेन्ट भएन भने प्रेसिडेन्टको अर्डिनेन्सद्वारा दिन सक्छ. त्यस कारणले केन्द्र सरकारको अब गोर्खालाई ट्राइबल बनाउने विचार नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नभएको, किनभने धेरैपल्ट भइसक्यो त ट्राइबलको मान्यता टाइम भइरहेको छ, एक वर्ष दुई वर्षभित्रमा भइरहेको छ, एउटा भइरहेको कुरा हो. तर गोर्खाको मात्रै भएको छैन नि, त्यो भोलि पनि आउँदैछ. गोर्खा लोकको हितमा अभि आप जो बात सवाल उठा रहा है, आप जब मुख्यमन्त्री साहब सिक्किममा 25 इयर्स, तो उस टाइममा सिक्किम स्टेटकी तरफ से कि आप लोगों की तरफ से कोई चार्टर डिमांड चार्टर सेन्टर को? मैं जब मुख्यमन्त्री बना तो सबसे पहला मैं वो चार्टर ऑफ डिमांड लेकर दिल्ली में गया, तो सबसे पहले दिया था मैंने सभी, मैं तो उस टाइम में सिक्किम का बोला, सिक्किम का सभी गोरखाओं नेपाली भाषी हम तो वहाँ सिक्किम में तो हम लोग इंडियन बने हैं, नेपाली बन के नेपाली बन के हम इंडिया में बने, सिक्किम में नेपाली बन के हम इंडियन बने, तो इंडिया में फिर दूसरे अब जैसे दार्जिलिंग के हैं या तो देहरादून के नेपाली भाषी हैं वो गोरखा है, लेकिन हम लोग सिक्किम में संविधानिक तौर में नेपाली हैं, सिक्किम में नेपाली. तो मैंने सबसे पहले ये सब डिमांड रखा था कि सिक्किम के सभी नेपाली भाषी नेपाली को सिक्किम में नेपाली को ट्राइबल बनाना चाहिए, भुटिया लेप्चा को जितना भी अधिकार मिला है उसको सुरक्षा देना चाहिए,
ये सारी चीज मैंने रखा था और उसी डिमांड के अंतर्गत दो जाति समुदाय तामांग और लिंगूर ट्राइबल बन चुके हैं, लेकिन आज तक लिंगूर तामांग का भी सीट नहीं मिला है। सर राष्ट्रीय स्तर में जानी सर राष्ट्रीय स्तर हम विभिन्न समस्या तो यह समस्या हम सामूहिक आवाज पुग्न न सकि हम अनुभव इसको तब ये वर्ष 25 वर्ष मुख्यमंत्री हो हमें राष्ट्रीय स्तर का हमें सामाजिक संस्था भी छे इसको कमी ने तो हम 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 उचित सम्मान तो पा न सकते जो तब लगे मैं लगने कुछ के हमी सब मिलेर राजनीति जात जाति धर्म राष्ट्रीय माथि उठेर एउटा नेपाली भाषी गोर्खाको या त नेपाली भाषी जनताको एउटा संगठन हुनुपर्ने या त सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्तर भन्ने मलाई पनि लाग्छ र यो एउटा कमी छ र एउटा बौद्धिकहरूको एउटा संगठन बन्नुपर्ने जुन चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिबाट माथि उठेको व्यक्तिहरू त्यसमा हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै हामी भारतीय गोर्खा परिषद जस्तो संस्था त अलरेडी छन् नि काम गर्न सकेन, होइन मतलब गरौँ यही भारतीय गोर्खा परिषदले गर्दा पनि हुन्छ तर यसलाई अलिकति फोर्सफुल्ली गर्न पर्यो, सबैलाई सामेल गर्नु पर्यो त्यसमा। पहिला त हाम्रै गोर्खा भाषीहरू बिचमा नेपाली भाषी बिचमा नि सङ्गठित हुनु पर्यो अनि सद्भावना कायम गर्नु पर्यो, तब चाहिँ यो सम्भव छ। सर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अमित शाह जी एक प्रस्ताव लेके आए कि हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज करने के लिए वेन यू हैव डिमांडिंग एक्चुअली यू हैव डिमांडिंग यूपीएससी में नेपाली भाषा में क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। एक्चुअली डू यू थिंक कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो जाने से आपने जो सवाल उठाया कि नेपाली भाषा और संस्कृति का अस्तित्व सुरक्षा को लगी जो उठाया डू थिंक कि हिंदी भाषा नेशनल लैंग्वेज हो जाने से आपका जो डिमांड और नेपाली भाषा का अस्तित्व थोड़ा से विपन्न हो सकता है? ये भाषा है और भाषा जैसे बंगाल में बंगाली भाषा है, नेपाली लोग नेपाली भाषा बोलते हैं, एक शेड्यूल में अभी मान्यता मिली हुई भाषा है। तो वो इस तरह केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है अथवा नेशनल प्रोग्राम है उन लोग का एजेंडा है नेशनल गवर्नमेंट तो करेगी और कितना ये सफल होगा आप ये तो मैं नहीं कह सकता। आप सपोर्ट करेंगे नेपाली एक्चुअली हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज जो करने का जो प्रस्ताव उसको आप समर्थन देंगे? नहीं नेशनल लैंग्वेज है ही तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है सर, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है ना सर। नहीं वो नेशनल लैंग्वेज है और अब मेरा समर्थन के बिना ये नेशनल लैंग्वेज है। आज तक सिक्किममा वर्तमान सरकारले और बीजेपी एसकेएम गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म गोर्खाको बारेमा सिक्किमे नेपालीको बारेमा लिम्बू तामाङको बारेमा भोटिया लेप्चाको बारेमा अहिलेसम्म राजनीतिक मागको बारेमा कुरा उठाएको छैन, एक शब्द उठाएको छैन। र नेसनल लेभलमा गोर्खाको बारेमा त झन् कुरा गर्ने प्रश्नै आएन, त्यस्तो हालत छ अहिले। उनीहरू खालि अहिलेसम्म चाहिँ अब आफ्नै चौकी बजाउने काममा मात्रै उहाँ बिजी हुनुहुन्छ ग्यास्त। उहाँले उहाँको भूमिका निभाउनु भएको छ थियो है, अब त्यही अर्थले जब मिस्टर गोले 2019 चिफ मिनिस्टर बनियो उहाँ त्यति बेलाको उहाँको लिगल पोजिसन चाहिँ के थियो भने उहाँको टेस्ट गर्नु पाउने थिएन बिकज अफ करप्सन चार्जेस। तर त्यसो हुँदा हुँदा पनि
मिस्टर निसारले उहाँलाई निमन्त्रणा दिएर सरकारबाट बोल्नु अनुमति दियो। त्यसको पछि त गएर उहाँलाई डिसीले छुट दियो, उसको उहाँको के अरे सेन्टेन्सहरू हटाइदियो है। त्यो अर्थले उहाँलाई चाहिँ जितेर मुख्यमन्त्री बनिरह्यो। तपाईँलाई यो विषयमा गभर्नरको भूमिका कस्तो लाग्छ? यो सँगसँगै इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको भूमिका कस्तो? मिस्टर गोलेको विषयसँग यो सबैको कारण छ। पहिला कारणकै पुऱ्याउनु पऱ्यो। अब कारण हो संविधान 371F को जी चाहिँ सबभन्दा मूल कारण हो। 371F G ले स्पेसल पावर दिएको छ गभर्नरलाई, र त्यही पावरलाई युज गरेर एकजना कन्भिक्टेड मान्छे जसलाई 6 वर्ष चुनाव लड्नुबाट डिबार गरेको छ, र त्यस्तो मान्छेलाई र ऊ एमएलए पनि छैन, त्यस्तो मान्छेलाई उसले मुख्यमन्त्री एपोइन्ट गर्यो अथवा नियुक्त गर्यो। अनि यो चाहिँ सिक्किमे जनताको लागि सबभन्दा ठुलो अन्याय भएको छ। र जबसम्म 371F G को जुन चाहिँ स्पेसल पावर गभर्नर हटाइँदैन, तबसम्म सिक्किममा एउटा फुल फ्लेज्ड स्टेट र फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट त्यहाँ इस्टाब्लिस हुन सक्दैन। र गभर्नर जहिले चाहियो त्यति बेला जसलाई पनि उसले मुख्यमन्त्री बनाउन सक्छ, जसलाई पनि उसले बर्खास्त गर्न सक्छ। अनि त्यस्तो खालको स्पेसल पावर सिक्किमको गभर्नरलाई छ, जुन चाहिँ संविधानमा त्यस्तो खालको पावर कुनै पनि गभर्नरलाई छैन। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज सिक्किमको जनताले देशमा सिक्किमलाई मर्ज गरेर हामीले पाएको डेमोक्रेसी पनि अहिले फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी हामीले पाएको छैनौँ। र आज सिक्किममा चाहिँ गभर्नरको त्यो प्रकारले जनताको हक र अधिकारमाथि चाहिँ उसले खेलबाड गरिरहेको छ, र यस्तो खालको सरकार चाहिँ सिक्किममा टाउकोमा राखिदिएको छ। हामीले यही दिन देख्नुको लागि हामीले सिक्किम भारत मर्ज गरेको होइन, हामीले सिक्किम भारत मर्ज गर्यो कि सिक्किम जनताले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पावरलाई डेमोक्रेटिक राइटलाई इन्जोय गरोस् भनेर भारतको जस्तो एउटा महान देशमा हामी भारतको नागरिक भएर हामी चाहिँ स्वतन्त्र भएर भारतको नागरिक भएर बस्नका लागि हामीले सिक्किम भारतमा गाभेको। र तर आज त्यसको ठिक उल्टा त्यो 371F G ले चाहिँ आज सिक्किमी जनताहरूलाई यस्तो खालको सरकार टाउकोमा राखिदिएर सिक्किममा आजको जनता आज बोल्न नसक्ने अवस्था भएको छ। र यो एउटा कुरा गभर्नरको कारणले गभर्नरले यसरी सिक्किममाथि यो अन्यायपूर्ण फैसला गर्नु चाहिँ 371F G को कारणले हो। र अर्को कुरा चाहिँ गभर्नरले अन्तरात्माबाट फैसला गर्नुपर्ने हो, र उसको अन्तरात्माको आवाज सुनेर उसले फैसला गर्नु पर्थ्यो। तर त्यसो नगरेर चाहिँ उसले 371F G लाई मात्रै उसले त्यो पावरलाई मात्रै हेरेर उसले काम गर्यो, त्यसभन्दा अलि अन्य लाग्छ। अर्को जुन चाहिँ इलेक्सन कमिसनको जो फैसला छ त्यो अहिले सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज गरेको छ, र त्यसमाथि म बोल्दै रहेछु। अगुनजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का जो है ये चिकन नेक है सिलीगुड़ी, और सिक्किम का प्रवेश द्वार भी है, और सिलीगुड़ी के साथ साथ उत्तर बंगाल के लोग जो अलग यूटी या फिर अलग राज्य की मांग कर रहे, तो आप पूर्व सीएम होने के नाते और पड़ोसी राज्य के पूर्व सीएम होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इस मांग को, और आपका क्या इसको लेकर मंत्र है? देखिए, अब हम भारत का नागरिक हैं और सभी भारत के नागरिक लोग संविधान के तहत अपना मांग कर सकते हैं, और उसमें मुझे बोलने का कोई हक नहीं। मैं दूसरे प्रदेश से हूँ तो हम क्या मांग करते हैं क्या करते हैं सभी कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ये तो फायदेमंद तब होगा ना जब ये क्या होगा इसमें कुछ एक्शन होगा तो होगा, अभी तो फायदा मैं कैसे कहूँ। 371F G को कुरा गर्नु भयो, 371F नै डाइल्युट भएको छ भन्नेले एउटा ओएम छ, एउटा आरोप पनि छ। त्यो गभर्मेन्ट केन्द्र सरकारले 371F लाई इन्क्लुसिभ इम्प्लिमेन्ट नगरिरहेको, तपाईँले जीको कुरा गर्नुभयो, 371G को कुरा गर्नुभयो, तपाईँको डिमान्ड के हो? जी हट्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड हो कि के? त्यो 371F जी चाहिँ भारत सरकारले म हट्नु भन्दैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, र गभर्नरलाई पावर चाहिँ युपीको गभर्नर जुन बराबरी दिनुपर्छ। हाम्रो सानो स्टेट के त्यत्रो ठुलो पावर दिन्छ?
आजको एसकेएम गभर्नमेन्टलाई तपाई रेटिङ दिनुहुन्छ 10 मा कति दिनुहुन्छ 10 मा 10 मा रेटिङ दिनु म रेटिङ के दिन्छु भने सिक्किममा चाहिँ देयर इज नो गभर्नेन्स देयर इज ओन्ली गभर्नमेन्ट दिस इज माई रेटिङ अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने अस्ति मात्र तपाईँले उमेशको कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो है दार्जिलिङ सिक्किम गिराई विषयमा जहाँ चाहिँ तपाईँले आरोप लगाउनुभएको थियो कि मिस्टर गोले एसकेएमले चाहिँ तपाईँको समर्थन गर्दैछ यो कुरा यो मुद्दालाई भनेर यो केही साँचो हो अनि एसडिएफको अडान चाहिँ के छ यसमा दार्जिलिङ सिक्किम मिलाइ दार्जिलिङ र सिक्किम मिलाए अब यो दार्जिलिङबाट उठेको कुरा हो र सबले सुनिरहनु भएको छ र दार्जिलिङबाट चाहिँ आवाज आइरहेको छ बार बार आइरहेको छ मिडियाहरूबाट सोसियल मिडियाबाट त्यहाँ धेरैजनाले बोलिरहेका छन् है सिक्किम दार्जिलिङ मिसाउनुपर्छ सिक्किम दार्जिलिङ गाप्नुपर्छ सिक्किम दार्जिलिङ एक बनाउनुपर्छ अनि 2023 सिक्किम दार्जिलिङ एक भइहाल्छ भनेर डिस्ट्रिक्ट पनि छुट्याइसकेको घोषणा दार्जिलिङबाट भएको छ र दार्जिलिङबाट घोषणा भएको छ कि पहिला सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दार्जिलिङ सिक्किमका आफ्नै समर्थन नदिँदाखेरि उसको मुख्यमन्त्री नै उड्यो अब अहिलेको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अहिले समर्थन गर्दैछ भनेर दार्जिलिङबाटै भनेको छ मैले भनेको होइन दार्जिलिङबाट भन्दैछु र त्यो कुरा सबले सुनेको सबलाई थाहा छ सबकोमा त्यो रेकर्ड छ उहाँले बोलेको त्यो चाहिँ दार्जिलिङ बाट यहाँका नेताहरूले बोल्दैछन् अब तपाईँ को तपाईँले जान्नुहुन्छ तर अब हाम्रो कुरा यो कुरा गरौँ भनेदेखि हामीले 1975 26 अप्रेल 1975 सिक्किमलाई भारतमा हामीले गाभ्यौँ मर्ज गऱ्यौँ र हामी सिक्किमेहरू चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्न चाहँदैनौँ र सब मर्जको विरोधमा छौँ हामी अनि एसडिएफ पार्टी चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्ने कुराको विरोधमा छौँ हामी चाहिँ र हामी सिक्किम जत्रो छ त्यत्रै सिक्किमलाई हामी सुरक्षा दिन चाहन्छौँ त्यसैको लागि एसडिएफ पार्टी आज सिक्किम बचाओ अभियानमा सारा सिक्किममा हामी जनतालाई सब भेट्दैछौँ जनताको जनतामा छौँ हामी आज तपाईँको 50 दिने यात्रा पनि सुरु भइसकेको छ सिक्किममा अनि अझतर्फ अपोजिसन पार्टीहरू भाइजु भुटिया पनि खुसीमा देखिरहेको स्थिति छ तपाईँको फर्मर अब नेता गणेशलाई पनि निकिसक्नु भएको छ अपोजिसन पार्टीहरूको रिअलाइनमेन्ट हुने अथवा अलायन्स हुने सम्भावना के कस्तो छ या छैन अब अहिले चुनाव आउनु अझै 1.5 साल छ राजनीतिमा असम्भव केही छ अमित शाह आपने जो समस्या उठाया यहाँ सारी चिंता है प्रकृति की संवेदनशील सिक्किम जो है संवेदनशील एक राज्य है यहाँ बॉर्डर चिंता तो क्या माना जाए कि एसडीएफ राष्ट्रीय स्तर कुछ बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है मतलब आप आपका आगे स्टेप क्या है ये राष्ट्रीय बहुत प्रदेश एसडीएफ बड़ा स्टेप लेने जा रहा है इस तरह माना जाए ना मेरा तो देखिए मैं राष्ट्रीय तौर पर बड़ा स्टेप राष्ट्रीय स्तर में राजनीतिक बड़ा स्टेप मैं कितना ले सकता हूँ मेरा एक सीमित है ना एक छोटा सा प्रदेश में रहता हूँ और गोरखा भाषी 2% है इंडिया में और छोटा प्रदेश में रहता हूँ छोटा प्रदेश है मेरा सिक्किम तो 25 साल में सीएम था तब भी मैंने दार्जिलिंग में भी जहाँ सबसे गोरखाओं का घनत्व है देहरादून में है आसाम में है थोड़ा ज्यादा गोरखा लोग रहते वहां पर भी मैंने अपनी पार्टी का ब्रांच नहीं बनाया मैंने पार्टी वहां पर विस्तार नहीं किया तो आज तो मैं अपोजिशन में हूँ वो पार्टी करना बड़ा करना तो मेरे सोच से बाहर की बात है लेकिन मैं आज देखिए इनर कलिंग मेरा जो है कि मैं एक नेपाली भाषी हूँ मैं सिक्किमे हूँ मेरा घर सिक्किम है मेरा स्वर्ग सिक्किम है मेरा सभी मेरा भाई बहन और मेरा परिवार सिक्किम के जनता है तो मैं वहाँ पर ही राजनीति करूँ उन लोगों का सुरक्षा के लिए शांति के लिए विकास के लिए
मुझे बस सिक्किम के लिए मरना है, सिक्किम के लिए जीना है, बस उसके बाहर कुछ नहीं करना। ये डिमांड लेके आपको अगला कोई कर्मसूची जो सूची है, जैसे आपने कहा सिक्किम बचाओ अभियान करेंगे, सिक्किम बचाओ, बस हमारा नाम है सिक्किम बचाओ। सर क्या क्या करेंगे इसमें? सिक्किम बचाना है भाई, हमारा वहाँ हमारा अस्तित्व बचाना है, राज्य का संविधान की तहत सिक्किम का सिक्किमी जनता की अस्तित्व को बचाना है, हमारा मिट्टी को बचाना है, जल को बचाना है, जीवन को बचाना है, सिक्किम को बचाना है। और हमारे जितना ही पुराने जितना संविधान से सुरक्षित कानून है उसको बचाना है और सिक्किम के लोगों को हंसाना है, बस वही करना है। उसके बाद आपको कुछ स्टेप कुछ आगे कुछ सूची है आपका? कुछ डेट फाइनल किया है किसी तरह का कार्यक्रम है? नहीं, कार्यक्रम हम लोग 50 दिन तो हम जा रहे हैं, जन जन में जा रहे हैं, हम घर घर में जा रहे हैं, जन जन में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहा हूँ। मैं भी दो दिन पहले मैं गाँव में था, मैं कल यहाँ शादी था इसके लिए आया था, फिर आज सोचा मैं आप लोग से कैसे मिल लूँ और बातें करो, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग से। पवन सर सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, कुछ सिक्किम अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं, ऐसे में आपका क्या विचार है? कौन नहीं मानते? कुछ लोगों का इस तरह का पता मत है, ये तो ऐसा होता है सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। इंडियन 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 देखिए सिक्किम के आप ऐसा क्वेश्चन अपने यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है मैं बता दू। आज इंडिया में सिक्किम के लोग जैसे सिक्किम के लोग जैसे इंडियन तो नहीं, दूसरे लोग ही नहीं है, हम लोग हैं इंडियन। हम लोग सही इंडियन है, हम तो खुद देश के साथ में इंडियन बने हैं। आपको बताया ना, हमने इस तरह से सबसे पहले देश को इंटीग्रेशन किया, अभी सारा भारत, अभी भारत में हम लोग ने एक देश को एक उदाहरण दिया कि रिवर्स इंटीग्रेशन करना, रिवर्स इंटीग्रेशन कैसा करना है, ये उदाहरण दिया। रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होता है? सब लोग कहते हैं, हमारे देश के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी कहते हैं सिक्किम जैसा बनाना है, हमारे राज्य को सिक्किम जैसा बनाना है, हमारा राज्य को भी सिक्किम जैसा साफ सुथरा करना है, सिक्किम जैसा विकास करना है, सिक्किम जैसा शांति होना चाहिए, ये रिवर्स इंटीग्रेशन है। दिल्ली में भी हमारा बड़े बड़े वहाँ के अफसर लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अफसर को कहते हैं अरे सिक्किम जैसा करो ना, सिक्किम से सीखो कैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, कैसा शांति रखना, कैसे साफ सुथरा अपना राज्य को रखना है, सीखो सीखो सिक्किम से सीखो, ऐसे बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रिवर्स इंटीग्रेशन। सिक्किम से लोग सीखते हैं, पहले मैं मुख्यमंत्री जब पहले बना था तो उस टाइम पे बाहर के लोग, बाहर के मतलब सिक्किम से बाहर के लोग वहां पर आते थे सिक्किम को सिखाने के लिए, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लगा तो फिर बाहर के लोग सिक्किम में सीखने आने लगे। मैंने जब मुख्यमंत्री छोड़ के आया बाहर आया तो तब तक वहां पर 2019 तक बाहर के लोग वहां पर सीखने जाते थे, टूरिस्ट लोग भी जाते थे, कुछ सीखकर जाते थे, वापस जाते थे। लेकिन आज दो साल, आज ये 3.5 साल में सिक्किम थोड़ा गड़बड़ वहां पर गड़बड़ हो गया। अभी सर कोई यूनियन मिनिस्टर से आप मिलेंगे, होम मिनिस्टर या जो स्टेटस का बात बोल रहे हैं, स्टेटस का SC ST और OBC का बात बोल रहे हैं, तो यूनियन मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग आप लोग करेंगे या कोई मेमोरेंडम देंगे? बहुत बार दिया है मैंने, जितना तक किसी ने नहीं दिया, अभी भी देंगे। अभी हम पार्टी, अभी अपोजिशन पार्टी के रूप में हमने मेमोरेंडम दिया है और भी हम लोग देंगे। मैं जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सभी मंत्री से मिलूंगा जाके जी।
एउटा क्वेशन तपाईँ अहिले सिक्किम बतर यात्रा भनेको तर विगत केही वर्ष दुई तिन वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले अपोजिसनको भूमिका जुन प्रकारले निभाउनु पर्थ्यो त्यो निभाउन तपाईँ सक्नुभयो होइन तपाईँ जनताबाट टाढिनु भयो भने तपाईँमा पनि एउटा आरोप लाग्ने गरेको त्यसलाई कसरी म जनतादेखि टाढ्यो भन्ने जुन चाहिँ आरोप छ यो चाहिँ एसकेएम पार्टीको नेरेटिभ हो एसकेएम पार्टीको त्यो भनाइ हो त्यो चाहिँ कथा हो त्यो भनेको चाहिँ एसकेएम पार्टीले चामलिङ चाहिँ जनतादेखि टाढी त हुन्थ्यो नि किन मरेको थियो किन गएको जनतामा यो चाहिँ राखिदिनु जनतादेखि टाढेर यो गएन जनताले यसलाई भुल्न सकेन भनेर नि त्यो त्यो नेरेटिभ बनाएर Thank you, sir.